एजेंसीज को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। नमस्कार, SBN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राहुल गांधी लगातार अडानी का मुद्दा उठाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता भी उनसे छीन ली गई। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि अडानी का मुद्दा वो राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे, इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी संसद सदस्यता उनसे छीन ली गई। अब आम आदमी पार्टी भी लगातार इस पूरे मुद्दे पर जो है वो मोर्चा खोले हुए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ। अडानी का मुद्दा आम आदमी पार्टी भी लगातार उठा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अडानी मुद्दे को लेकर के किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, सुनिए। सर, उन्होंने कहा है अगर दूसरों के परिवार का, अगर पार्टी के परिवार वालों का भला करना है, मुलायम को वोट दीजिए, अखिलेश का भला करना है तो उनको वोट दीजिए, अगर देश का भला करना, अडानी का भला करना है तो किसको वोट दीजिए? अडानी का, मोदी के दोस्तों का भला करना है तो भाजपा को वोट दीजिए। अगर लाखों करोड़ की संपत्ति अडानी को देना है, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, कोयला, गैस, बिजली, पानी सब अडानी को देना है तो मोदी जी को वोट दे दीजिए, वो सब कुछ पूरा हिंदुस्तान अडानी के नाम लिख देंगे। 2024 में कैसे? कितना रोजगार दिया मोदी जी ने? ठीक है भैया, ठीक है। 18 करोड़ नौकरी देनी थी, कितना दिया? फसल का दाम देना था किसानों को, दोगुना करना था, कितना दिया? महंगाई कम करनी थी, कितना किया? काला धन लाना था, 15 लाख देना था, कितना दिया? हर आदमी को पक्का मकान देना था, कितना दिया? देश को बेवकूफ समझते हैं आप? कहानी बता रहे हैं इस परिवार को, उस परिवार को, ने सब कुछ तो लुटा दिया अडानी के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर इतने फिदा, और रात की बिजली महंगी करने जा रहे हो। ये देखो, मुरादाबाद में खड़ा हूँ, जनरेटर चल रहा है, पीछे से आवाज सुनाई पड़ रही, बिजली मिलती नहीं, पानी मिलता नहीं, शिक्षा मिलती नहीं, स्वास्थ्य मिलता नहीं, पूरे देश को खाली बेवकूफ बनाने का काम घूम रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हो। आम आदमी पार्टी 2024 में किस तरीके से लड़ने जा रही है वो हम लोग रणनीति तय करके बताएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और 20,000 करोड़ के घोटाले की बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्या वाकई अडानी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया है? इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBN9।